तरफ प्रशासन जहां अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधी भी एक से बढ़कर एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर प्रशासन के सामने ताल ठोकते हुए नजर आते हैं। ताजा मामला है प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का, जहां चेतगंज थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब सतीश नामक व्यक्ति को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर जख्मी कर दिया। वहीं इस घटना से जहां पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, तो इससे वहां के स्थानीय लोगों में भी काफी सनसनी का माहौल व्याप्त है। लोगों की माने तो चेतगंज थाना अंतर्गत लहराबेर स्थित फोटो स्टेट की दुकान में जब सतीश फोटो स्टेट कर रहा था, उसी समय अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाकर सतीश को घायल कर दिया। लोगों ने आनन फानन में उसे निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। सर, किस किसकी मृत्यु हुई अभी पता चल पाया है कि गोली लगी है? क्योंकि सतीश राय थे, इनको आज किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो है कंधे पे गोली मारी थी। इनका हॉस्पिटल में ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो है मृत्यु होने की सूचना है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है, उनके परिजनों से जानकारी की जा रही है। कोई रंजिश या झगड़ा के बारे में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं है। इसमें और गहराई से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई चल की जा रही है, और सीसीटीवी फुटेज वगैरह अभी आसपास का कलेक्ट किया जा रहा है, और उम्मीद है जल्दी इसका खुलासा हो जाएगा। तो गोली चलने की आवाज़ नहीं है, साइलेंसर की बात कही जा रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे, ज़्यादातर लोग जो है हॉस्पिटल गए हैं, तो अलग से सबसे बात करके जो है चीज़ों को क्लियर किया जाएगा और जल्दी ही इसको वर्कआउट किया जाएगा। प्रथम दृष्टया वजह क्या लग रही है कुछ? अभी कोई जानकारी नहीं हो पाई है। अभी बात करने से उनके परिवार वालों ने भी अभी कोई ऐसी बात नहीं बताई है। हो सकता है उनको जानकारी ना हो, सब परिवार में आपस में बात करके या जानकारी करके कुछ और चीज़ें बताएंगे, तो उसको डेवलप करके कार्रवाई करेंगे। जिनको गोली लगी उनकी स्थिति अभी क्या बनी हुई है? अभी उसके बारे में सूचना आपको जल्दी ही बता देंगे।